टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया का सफर खत्म हो चुका है। इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से मिली हार के बाद भारत का टी20 वर्ल्ड कप खेलने का सपना टूट गया। अब वर्ल्ड कप का फाइनल 13 नवंबर को इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। भारत की हार हुई तो इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रिएक्शन भी आया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की हार पर ट्वीट किया और रविवार को इंग्लैंड पाकिस्तान के फाइनल मुकाबले की बात की, लेकिन यहां उन्होंने टीम इंडिया को ट्रोल करने की कोशिश की, जिस पर भारतीय फैंस का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने इसका जवाब भी दिया। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा कि रविवार को 152 रन और 0 विकेट बनाम 170 रन और 0 विकेट का फाइनल मुकाबला होगा। बता दें कि भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हार मिली है। ऐसे में इंग्लैंड का स्कोर 170 रन रहा और 0 विकेट, जबकि पिछले पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था। उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 152 था और विकेट 0 थे। शहबाज शरीफ ने इसी बात का जिक्र करते हुए टीम इंडिया पर तंज कसा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस तरह के ट्वीट पर भारतीय यूजर्स ने करारा जवाब दिया। कुछ यूजर्स ने लिखा कि आप किसको सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपका पैसा तो इंग्लैंड में इन्वेस्ट हुआ है। कुछ यूजर्स ने ये लिखा कि आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं या फिर पाकिस्तान के प्राइम कॉमेडियन। भारतीय यूजर ने शहबाज शरीफ को 1971 की लड़ाई भी याद दिला दी और कहा कि तुम्हारा रिकॉर्ड तो 93,000/0 था। सिर्फ भारतीय यूजर ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी यूजर्स ने भी शहबाज शरीफ को ट्रोल किया और लिखा कि वर्ल्ड कप के अलावा मुल्क पर भी फोकस कर लें। शहबाज शरीफ की बात करें तो एक देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें इस तरह का कमेंट करना शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी उन्होंने कमेंट किया और उसका जवाब उन्हें पूरी दुनिया के सामने मिल गया। बेशक टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, लेकिन ये दुनिया में खेला जाने वाला कोई आखिरी मैच नहीं था, जिसे लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इतने खुश हो गए। जनाब, ये खेल है, इसे खेल की भावना से देखिए, और अगर गंभीर बातें ही करनी है तो अपने देश के अंदर झांकिए, जहां दिन दहाड़े एक पूर्व PM पर जानलेवा हमला हो जाता है और आपकी सुरक्षा एजेंसियों को खबर तक नहीं लगती। और हाँ, पाकिस्तान जिस मुफलसी के दौर से गुजर रहा है उस पर भी ध्यान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज़। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।